मिचोंग तूफान के टकराने का असर सबसे ज्यादा बताया जा रहा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और अभी से दिखने लगा। अभी तो तूफान टकराया नहीं है दीपिका, हालात ऐसे हैं, चेन्नई के हालात आपने देखे रिपोर्ट के जरिए, लेकिन केंद्र सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये कितना शक्तिशाली तूफान है। बिल्कुल, और इससे लोगों को बचाना बहुत जरूरी है और इसीलिए जो गृहमंत्री अमित शाह है उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर बात भी की है, हर मदद उन तक पहुंचाई जाएगी ये भरोसा भी दिखाया है। और न सिर्फ वहां के हालात को देखते हुए स्कूल कॉलेज की छुट्टी की गई है और लोगों से कह दिया गया है कि जरा सावधान रहें और जरूरी ना हो तो घर पर ही रहें। इस रिपोर्ट में आप वहां के हालात देखिए और आप ही सावधान रहिए। मिचोंग तूफान से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिचोंग तूफान का सबसे ज्यादा असर और सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल सकती है। मिचोंग तूफान से पैदा हुए हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कमर कस ली है। अमित शाह तूफान के संभावित खतरों को लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात की है और तूफान से निपटने के लिए हर संभव मदद देने की बात कही। अमित शाह ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी कहा है कि एनडीआरएफ की तैनाती पहले ही की जा चुकी है, इसके अलावा अतिरिक्त टीम आगे की सहायता के लिए अलर्ट पर है। केंद्र ने फिलहाल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में एनडीआरएफ की 21 टीमों को तैनात किया है। इसके अलावा सभी केंद्रीय एजेंसियों को हर पल मदद के लिए अलर्ट पर रखा गया है। तूफान को देखते हुए राज्य सरकारों ने भी टीमें तैनात कर रखी हैं और तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। एहतियातन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 118 ट्रेनों को रद्द किया गया है जबकि 33 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं।